हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट. माय सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस के क्विज, जो कि हमारे करंट अफेयर्स का है. और ये जुलाई मंथ की यहाँ पे क्विज देखेंगे. तो अब तक की जितनी भी मंथ की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एक दो मंथ की यहाँ पे छुट्टी हुई है, मार्च और मई की. शायद मई की है ना, मई जून जुलाई, यस. तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी. इकॉनमी के चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ. और यहाँ पे आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिए, जिससे कि आप लोग बेटर एनालाइज कर सको कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और प्रीवियस मंथ की अगर आप लोग को क्विज इसी तरीके से सॉल्व करनी है, करेंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक की, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. प्ले लिस्ट में आकर आप लोग जो है डिटेल से देख सकते हो, साथ ही सारे मंथ्स की भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे इस बार इकॉनमी के, तो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दो स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है. फर्स्ट है कि लास्ट 5 ईयर में इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो यहाँ पे अभी तक 5 सालों में कभी भी हायर नहीं हुआ है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स के कंपैरिजन में देखे तो. सेकंड है कि कमर्शियल बोरोइंग जो है इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट देखने को मिलेगा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट है, साथ ही यहाँ पे जो है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट भी है. तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर. सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इस तरीके की कभी भी होगी ना कि लास्ट 5 ईयर में जो है ऐसा हुआ ही नहीं या फिर ऐसा ही हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे रोक के खुद को रोक के जो है ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी होता है कि लास्ट डिकेड में या फिर लास्ट 5 ईयर्स में कुछ भी. आप लोग को पता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप सोचोगे तो कोई भी चीज़ इतना स्टैग्नेंट नहीं होता कि सारी चीज़ें या तो हाई रहेगी या तो लो रहेगी या तो रुकी हुई रहेगी. नो, समटाइम्स जो है एक दो साल के बाद कुछ ना कुछ डेटा जो है वो वैरी करता ही है. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में थोड़ा बहुत आप लोग को थिंक करना है, बट ये इस तरीके की स्टेटमेंट थोड़ी वेक हो जाती है तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा. तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो कमर्शियल बोरोइंग है, कमर्शियल बोरोइंग में अगर देखें तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं क्योंकि हमारी रेवेन्यू बहुत कम है सरकार की और एक्सपेंडिचर ज़रूरत से ज़्यादा है. तो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए यहाँ पे बाहर से हम लोग को बोरो करना होता है और फिर पे इसी के साथ साथ नॉन जो रेसिडेंट है उनके डिपॉजिट भी है. तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आइए देख लेते हैं डिटेल में. इंडिया का अगर एक्सटर्नल डेट देखें तो ये 2020 में कितना है, तो $558 बिलियन है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है. अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सालों से देखें तो यहाँ पे 15 बिलियन तक इंक्रीज़ हुआ है. अगर कमर्शियल बोरोइंग देखें तो ये अभी तक लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है, यानी कि एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है जिसमें कि 39.4% है. इसके बाद नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट है जो कि 23% है और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है जो कि 18% है. अगर हम लोग ऑल टाइम हाई देखें तो $501 बिलियन तक का, जो कि जून 5 को जो है ना यहाँ पे 2020 में सबसे ज़्यादा था. तो इंडिया जो है ना यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो $5.8 बिलियन है, वो भी यहाँ पे 1991 का बताया जा रहा है जो कि मार्च में था. तो इसी से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है हैज़ नेवर बीन हायर. तो ये फॉरेन एक्सचेंज से जो है फॉरेक्स रिजर्व कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बाहर की कंट्रीज़ के भी जो करेंसी है उसको रखते हैं, जैसे डॉलर हो गया, रेन हो गया, रेनबिम्बी हो गया, येन हो गया, तो ये सारे करेंसीज़ भी हम लोग अपने पास रखते हैं, तो उस करेंसीज़ को जो है फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है. तो उससे ज़्यादा जो है एक्सटर्नल डेट है हमारा. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में. इसके बारे में हम लोग डिटेल देखे थे जुलाई मंथ की, जो जून मंथ की शायद हम लोग डिस्कस किए, उसमें हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग तो देखे ही है. चलिए आइए करेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है ना ये तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट जो है किसी को अलाउ करते हैं प्रोड्यूस करें बिना किसी पेटेंट ओनर के कंसेंट से. सेकेंड है कि ये हमारे WTO की जो ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है. थर्ड है कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट दिया जाता है, वो भी फ्रिक्वेंटली जेनरिक ड्रग्स के प्रोडक्शन में. तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी है. अगर आप लोग को कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में पता है तो ही आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो आंसर, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन थोड़ा बहुत भी आप लोग सोच सकते हैं कि कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है इंडिया के द्वारा ग्रांट किया जाता है, वो भी फ्रिक्वेंटली, और किसके लिए, तो जेनरिक ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि फ्रिक्वेंटली हमारे तरफ से जो है कंपलसरी लाइसेंस दी जाती है? लाइसेंस मीन्स कि इस प्रोडक्ट के लिए तो कंपलसरी है कि लाइसेंस देना ही देना है. ठीक है, तो क्या ऐसा होता है क्या? ये स्टेटमेंट पे आप लोग जोर लगा सकते हो क्योंकि ये
न्यूज़ में भी रहता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जैसे ही आप लोग इसको इनकरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे तो आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाओगे। वेदर आप लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट पता है कि नहीं, ये मैटर ही नहीं करता। आइए डिटेल में देख लेते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग होता क्या है। जब गवर्नमेंट जो है ये तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट यहाँ पे किसी और को अलाउ करते हैं कि आप पेटेंटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो या फिर प्रोसेस करो बिना किसी पेटेंट ओनर के। ठीक है, पेटेंट कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोरोना वायरस का आप लोग देख रहे हो कि वैक्सीन बनाने के लिए होड़ लगी हुई है, तो यहाँ पे जो भी कंपनी पहले बना के ले आएगी, यानी कि कोई भी कंट्री के पहले कंपनी अगर बना के ले आएगी वैक्सीन, तो उनका अपना पेटेंट होगा। कहने का मतलब है कि उनका जो है ना अपना राज चलेगा, वो जितना इनपुट लगाया है उस तरीके से वो अपने जो वैक्सीन की जो प्राइस है वो सेट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पेटेंट मिलने का मतलब है कि उसका जेनरिक फॉर्म जो है आपका नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जब तक उसका पेटेंट रहेगा, एक साल दो साल जब तक पेटेंट रहेगा तब तक उसका जेनरिक मेडिसिन नहीं बनाया जाएगा। पेटेंट कहने का मतलब है कि जिस मेडिसिन में जिस वैक्सीन में पेटेंट होता है इट मीन्स कि उसके कॉस्ट हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेटेंट ओनर के कंसेंट के बिना जो है यहाँ पे पेटेंटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का यहाँ पे अलाउ दिया जाता है, तो इसको यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं। ये वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज़ है जो कि WTO के एग्रीमेंट में रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट आप लोग पढ़ते होंगे, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, तो उसी के तहत इस तरीके का फ्लेक्सिबल पॉइंट आपका रखा गया है। कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए देखें तो यहाँ पे जेनरिक कॉपी जब यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा मेनली किस लिए, तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए, नॉट फॉर द एक्सपोर्ट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया जाता है। और जेनरिक मेडिसिन जो आप लोग देखते हो जो इंडिया से बनाया जाता है, इंडिया के द्वारा 2012 में जो है फर्स्ट टाइम कंपलसरी लाइसेंस दिया गया था एवर, और ये लाइसेंस जो है ना इंडियन के जेनरिक ड्रग्स के लिए दिया गया था जो कि नाकटुक फर्मा है, उनके द्वारा यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स बनाया जाता है, तो उनको 2012 में ही दिया गया था, ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली दिया जाता है। सो दैट्स वाई वो स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करें तो ये स्पेसिफिकली आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी रीज़न नहीं रखा गया, यानी कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया जाता है ना तो उसके लिए रीज़न नहीं रखा गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट कहाँ से निकल कर आया, तो ये दोहा डिक्लेरेशन है जिससे कि ये निकल कर आया है। ठीक है, और इसमें यही कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ कन्फर्म करता है कि कंट्रीज़ को यहाँ पे फ्री किया गया है कि वो यहाँ पे किसी भी ग्राउंड में जो है ना यानी कि किसी भी रीज़न में उनको जो है एक कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो ये टॉपिक भी आपका फिर से अराइज हुआ है कोरोना वायरस को देखते हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व कीजिए, फिर आपकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि जब तक यहाँ पे आपका जो है पेटेंट दिया गया था किसी प्रोडक्ट को, तो उसके 3 साल में इसका एक्सपायरी होने के बाद कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन रख सकते हैं कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, वो भी पेटेंट के ऊपर। तो इसमें किस ग्राउंड में वो यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंस लेने के लिए वो ग्राउंड रख सकते हैं, तो फर्स्ट है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट है, यानी कि पब्लिक के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और विद रिस्पेक्ट टू पेटेंटेड इन्वेंशन जो कि अभी तक सेटिस्फाइड नहीं किया गया। सेकेंड है कि जो पेटेंटेड इन्वेंशंस है वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक को, वो भी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि जो भी यहाँ पे वैक्सीन या प्रोडक्ट को आपका पेटेंट दिया जाता है उसकी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड है कि पेटेंटेड इन्वेंशंस जो है वो यहाँ पे वर्क करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में बाय नॉन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो किस बेसिस में यहाँ पे जो है आपका कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा ये आप लोग को बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे आप तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपलसरी लाइसेंस जो देना है तो वो किस ग्राउंड में देना है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि लोगों के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सेकंड है कि अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे आपका लाइसेंस देना है कि जैसे कि यहाँ पे इन्वेंशन कर सकें, तो ये जो है ना ये दोनों ग्राउंड बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आपका यहाँ पे ये ग्राउंड है कि नॉन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी इसलिए यहाँ पे लाइसेंस देना है, नहीं ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी तभी यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंस जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आइए और डिटेल देख लेते हैं। किसी भी टाइम पे जब यहाँ पे 3 साल के बाद पेटेंट आपका एक्सपायरी हो जाता है तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है कि वो यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो जो है ना कंपलसरी लाइसेंस के लिए यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं। तो 3 ही रीजन है, पहला तो यही है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सेकेंड रीज़न है कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए, वो भी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में, और थर्ड यही है कि पेटेंटेड इन्वेंशंस जो है ना वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, या तो वर्क नहीं करना चाहिए या तो यहाँ पे आपका जो है वर्क करना चाहिए तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है, 3 यहाँ पे आपका बेसिक है ग्राउंड है जिसके बेसिस में कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि अब आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो गई होगी। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट है, बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि WTO के द्वारा जो कुछ फैक्टर ऑफ ट्रेड है, ट्रेड है उसको यूज़ किया जाता है, और लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ का है उसको यूज़ किया जाता है, कि इसमें आपका डिस्टिंक्शन कर सके कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर है। सेकेंड है कि वर्ल्ड बैंक जो यूज़ करते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर कैपिटा इनकम यूज़ किया जाता है एज ए क्राइटेरिया कि वो कंट्री को डेवलप क्लासिफाई कर सके कि वो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। WHO के द्वारा जो है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है, अगर देखा जाता है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर डेवलप्ड में है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो वो एक यहाँ पर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जो कि है पर कैपिटा इनकम। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर WTO रूल्स के अंदर देखें तो कोई भी कंट्री जो है ना वो सेल्फ डिजिग्नेट कर सकते हैं अपने आप को कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो WTO के अंदर ये रूल है, WTO जो है ना कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखे जिसके थ्रू यहाँ पे आपका स्पेसिफाई हो सके कि कौन सी कंट्रीज़ को यहाँ पर डेवलप कहा जा रहा है और कौन से कंट्रीज़ को यहाँ पर डेवलपिंग कहा जा रहा है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन यहाँ पर WTO के द्वारा जो है रखा गया है। फाइन, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इनके द्वारा जो है कुछ फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला है कि फंड रेजिंग सर्विस है, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन के लिए। सेकंड है कि रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन है, जैसे कि इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस है। थर्ड है कि मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के लिए है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो फिफ्थ ऑप्शन की, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करें तो फंड रेजिंग सर्विस जो कि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल और सिर्फ कॉरपोरेशन के लिए है, तो ऐसा नहीं है, और भी है यहाँ पे, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकेंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो हमारा सी हो गया। आइए देख लेते हैं कि क्या बातें की जा रही है। IFSC की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फिनेंशियल सर्विस को वापस लाने का काम किया जाता है, और जो भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे आपका कैरीड आउट किया जाता है, वो भी ऑफशोर फिनेंशियल सेंटर्स में और इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के द्वारा या फिर ओवरसीज़ जो ब्रांचेज हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे क्या है ना कि कुछ बिज़नेस को ऑफर करने के लिए या फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यहाँ पे करने के लिए, जिससे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटर तरीके से जो है इंडिया में बिज़नेस वगैरह हो सके। तो बिज़नेस का एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस जो यहाँ पे आप देखते हो सेंटर है, तो इसमें यही है कि कैसे जो है आपका यहाँ पे जो फिनेंशियल सर्विस है उसको ला सके, ट्रांजेक्शन यहाँ पे बेटर तरीके से हो सके। तो मेनली आप लोग को पता होना चाहिए कि IFSC के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो फंड रेजिंग सर्विस है वो इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और सरकार के लिए भी होता है। एसेट का मैनेजमेंट किया जाता है, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट भी किया जाता है, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट भी है, क्रॉस बॉर्डर टैक्स लियबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन भी है, ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पे है, जैसे कि आप देखते हो कि इसमें फंड रेजिंग भी है, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट भी है, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन भी किया जाता है जैसे इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस है, मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटीज़ भी किया जाता है वो भी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन में, ठीक है। अब आइए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये UPI के बारे में है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके बारे में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें तो ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि RBI के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकेंड है कि इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। थर्ड है कि ये नेसेसरी है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे कि UPI ट्रांजेक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। तो इनकरेक्ट आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो गलत स्टेटमेंट की फाइंड आउट करें तो UPI जो है ना इसको RBI के द्वारा नहीं NPCI के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, थर्ड अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, UPI की बात करें तो ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। अगर आप लोग भी UPI इस्तेमाल किए हो तो आप लोग को पता होगा कि कितने सही तरीके से और कितने कम टाइम में पेमेंट हो जाता है। डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि यहाँ पे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को भी फैसिलिटेट करते हैं। ये जो इंटरफेस है ये आपका रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो आपका डेवलप किया गया है ये NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका बेनिफिट क्या है कि सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है, इट मींस कि 24x7 है, सिंगल एप्लीकेशन है इसको एक्सेस करने के लिए, डिफरेंट बैंक अकाउंट का जो है ना आप लोग सिंगल एप्लीकेशन से ही कर सकते हो। टैप कस्टमर्स जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड उनके पास होना चाहिए, बस बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डेबिट और कार्ड इशू करना इट्स नॉट कंपलसरी हेयर।
तो वर्चुअल आईडी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोर सिक्योर है। इसमें कोई भी क्रेडेंशियल से शेयरिंग भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ है जो कि इसकी बेनिफिट है, तो ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 7। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फिर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। फर्स्ट है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये वो है जो कि यहाँ पे परचेज़ को फैसिलिटेट करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। जो वैल्यू स्टोर किया जाता है ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे आपका परचेज़ करना है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। सेकेंड है कि इंटरपर्सनल रेमिटांस ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थर्ड है कि ये जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये लाइसेंस्ड है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इनकरेक्ट आपको बताना है फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स है कि पहले ही आप लोग को प्रीपेड है, यानी कि प्रीपेड पहले ही पे करना है और इससे आप लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों यहाँ पे आप लोग परचेज कर सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंटरपर्सनल रेमिटेंस ट्रांजेक्शन ये पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इंटरपर्सनल रेमिटेंस जो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन है ये पॉसिबल है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और थर्ड भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आइए देख लेते हैं डिटेल। प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये वो है जिसमें कि आपका परचेज़ किया जा सकता है, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो, यानी कि इसके अगेंस्ट में वैल्यू स्टोर जो किया जाता है उनके द्वारा, यानी कि होल्डर के द्वारा जो पे किया जाता है कोई मीडियम को इस्तेमाल करके, जैसे कैश में कर रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में कर रहे हैं। जनरली ये जो इशू किया जाता है ना ये स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में होता है या फिर मोबाइल वैलेट वगैरह जैसे आप यूज़ करते हो, पेपर वाउचर है या फिर इंटरनेट आपका अकाउंट या वैलेट है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये प्री लोडेड वैल्यू के साथ आता है और कुछ केसेस में प्री डिफाइंड पर्पस है पेमेंट करने का। यहाँ पे आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को आप लोग परचेज कर सकते हो। साथ ही इंटरपर्सनल रेमिटांस ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे किया जाता है, यानी कि मनी जो है सेंड कर सकते हैं फ्रेंड को और फैमिली को, यानी कि जो भी यहाँ पे इंडिया के बाहर काम करते हैं जैसे कि कुवैत वगैरह में काम करते हैं और वो इंडिया में अपना अर्निंग भेजना चाहते हैं तो फिर रेमिटांस के थ्रू भेज सकते हैं, रेमिटांसिस को कहते हैं। तो वो अपना जो मनी है वो यहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भेज सकते हैं। ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ये लाइसेंस्ड है और इसको जो रेगुलेट किया जाता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, ओके, इनकरेक्ट। ओके, आइए आते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। ट्रेजर लोन, अगेन ये न्यूज़ में था, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। लोन जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए। सेकेंड है कि लोन जो प्रोवाइड किया गया है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट के भी कम है। थर्ड है कि लोन जो है वो यहाँ पे चार्ज किया गया जिसमें कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे फर्स्ट फ्यू ईयर्स जब से यहाँ पे आपका रेट जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको करेक्ट यहाँ पे करेक्ट बताना है, यानी कि नन ऑफ द अबव में यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि ट्रेजर लोन कहते किसको है, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। लोन ऐसा लोन है जो कि यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, वो भी फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि जब आप लोग लोगे इस तरीके का ट्रेजर लोन तो कुछ सालों तक, यानी कि फर्स्ट टू ईयर्स या थ्री ईयर्स तक जो है यहाँ पे आपका कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे जब से यहाँ पे रेट जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको जो है ट्रेजर लोन कहते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके बारे में करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस अथॉरिटी जो है ना ये आपका फिनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है, डिपॉजिट, फिनेंशियल सर्विस या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रीवियसली इसको अप्रूव किया गया है किसी भी अप्रोप्रिएट रेगुलेटर के द्वारा, वो भी यहाँ पे इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर में। सेकेंड है कि इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है और थर्ड है कि इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फिनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटीज़ है, डिपॉजिट है, फिनेंशियल सर्विस है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। सेकेंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात है, लेकिन यहाँ पे आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको हेड नहीं किया जाता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा देखें तो उनके द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि यहाँ पे इंजेती श्रीनिवास को अपॉइंटमेंट करना है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन बनाना है। इनको यहाँ पे चेयरमैन भी रखा गया है एज अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और साथ ही साथ चेयरमैन के साथ साथ यहाँ पे जो है ये नॉमिनेट किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, इडाई के द्वारा, साथ ही सेबी और पीएफआरडीआई के द्वारा। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि 2 मेंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और फुल टाइम होगा, पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे इनके अथॉरिटी में। फिनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन के द्वारा और ये बॉडी की जो हेडक्वार्टर है वो आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगा।
इसमें अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है यूनिफाइड अथॉरिटी को यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके थ्रू जितने भी फिनेंशियल सर्विसेज हैं इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर में उसको रेगुलेट किया जाता है। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर्स जो IFSC में है वो यहाँ पे मल्टीपल रेगुलेटर के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, जैसे RBI भी है, SEBI भी है, साथ ही यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है। तो इनके द्वारा जो है हमारे बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर्स को जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला गया कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। नहीं, हेड तो यहाँ पे आप लोग देखे हो कि अभी यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि इंजेती श्रीनिवास का, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनको यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है। तो इनके द्वारा ही ये चलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि है जॉम्बी फर्म्स। तो जॉम्बी फर्म्स किसको कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बताना है। फर्स्ट है कि फर्म्स जिसमें कि सफिशियंट प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, जो वो भी अपने डेट को फाइनेंस करने के लिए। सेकेंड है कि फर्म्स जो कि यहाँ पे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। थर्ड है कि फर्म्स जो कि यहाँ पे एबल नहीं है कि अपने डेट सर्विंग कॉस्ट को जो है वो यहाँ पे कवर कर सके। और फोर्थ है कि फर्म्स जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा बिना किसी प्रॉफिट को टैक्सिंग ऑन इट्स प्रॉफिट, यानी कि किस अपने प्रॉफिट को टैक्स में लाए हुए जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को, यानी कि उनका जो भी फर्म्स का प्रॉफिट हो रहा है उससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देकर जो है किसी और मीन से जो है सरकार को यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। तो करेक्ट बताना है कि 10 का करेक्ट ऑप्शन कौन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया, इट मीन्स कि फर्म्स जो कि यहाँ पे अपने डेट सर्विस को, जो उनका कॉस्ट है, जितना कर्ज है उसको कवर करने के लिए वो एबल नहीं है जिनका अभी करंट अर्निंग हो रहा है, ऐसे फर्म्स को हम लोग जॉम्बी फर्म कहते हैं। ओके, तो जॉम्बीज आप लोग देखे ही होंगे किसको कहते हैं। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है अरविंद सुब्रमण्यम, उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया में जो है ना सोशलिज्म से जो लिमिटेड एंट्री है अब कैपिटलिज्म की तरफ चल रहा है बिना किसी एग्जिट के। तो कैपिटलिज्म विदाउट एग्जिट ये एक जॉम्बी लैंड हो गया, ठीक है, यानी कि कैपिटलिज्म भी है, बस अपने फ़ायदे के लिए कंपनी काम कर रही है लेकिन वो छोड़ भी नहीं रही है, इंडिया को एग्जिट भी नहीं कर रही है, तो ये जॉम्बी हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपका COVID-19 और लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आपका यूज़ किया गया था, जॉम्बी। फिनेंशियल वर्ल्ड में जो कंपनीज़ हैं लाइफ सपोर्ट, उनको यहाँ पे जॉम्बीज कहा जाता है। वो सारे फर्म्स जो कि यहाँ पे अपने डेट सर्विंग कॉस्ट को तो कवर करने के लिए वो एबल नहीं है जितना भी उनका करंट अर्निंग हो रहा है, तो उनकी जो यहाँ पे कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बैड है। साथ ही आप देखोगे कि ये बिज़नेस जो है ना ये आउट ऑफ आपका बिज़नेस है, तो ये भी देख सकते हैं कि उनका बिज़नेस जो है बहुत घाटे में चल रहा है बट फिर भी वो जिंदा है, तो इसलिए उनको जॉम्बी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे टर्म आपका इस्तेमाल किया गया। खैर कोई नहीं, चलिए ये 10 क्वेश्चन आज के लिए हो गए। बताइएगा आपको टोटल कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कि आप लोग डे बाय डे जो है ना हर एक दिन अपने आप को जज कर पाते हो, हर एक दिन आपको पता चलता है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। समटाइम्स आपके लो आएंगे, समटाइम्स आपके हाई होंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा आप लोग को अपने ऊपर इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मॉडरेट रहना है। कहाँ पे आपका लो हो रहा है इस चीज़ को चेकआउट कीजिए कि किस टॉपिक में आप लोग फंस रहे हो, कौन सी यहाँ पे वीक पोर्शन है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, तो हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट करना ना भूले, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।